आज का दंगल चुनाव में वोट से पहले नोट कांड को लेकर है। पूरे महाराष्ट्र में आज बस एक ही खबर पर चर्चा है और इस खबर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक होटल में नोट बांटते हुए मिले हैं, ऐसा आरोप लगाया हुआ है। और यह आरोप किसने लगाया हुआ है? तो बहुजन विकास आघाड़ी की तौर ओर से लगाया हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी ने महायुति की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी इस वक्त महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से विनोद तावड़े पर आरोप यह लगाया गया है तस्वीरों के आधार पर, क्योंकि तमाम तस्वीरें भी आगे आ चुकी है और जिसमें नाला सुपारा के विवांता होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हाथों में नोट की गड्डियां लहरा रहे। नाला सुपारे से बीजेपी के उम्मीदवार, नाला सुपारा से बीवीए के उम्मीदवार, बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर ने वो डायरी भी बरामद करने का दावा किया है जिसमें पैसे पाने वाले लोगों का नाम लिखा हुआ है। कई घंटों तक वहां पर हंगामा चलता रहा। उसके बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाइक, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन उसके बाद ही विनोद तावड़े पर आरोप लगाने वाले क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर, जो उनके पिता है, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी तावड़े और हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, इन लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोट कांड को लेकर शंका, समाधान और सफाइयां भी पेश करने की कोशिश की। लेकिन इस खबर के सामने आते ही पूरे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। शिवसेना यूबीटी से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तक सबने बीजेपी पर चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर हमले करना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग उनके थैले चेक करता रहा और बीजेपी महासचिव के पास 5 करोड़ रुपए मिल गए। फिलहाल इस मामले की जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन तब तक सियासत को बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल महाराष्ट्र में मतदान होने जा रहा है और ठीक मतदान से पहले सामने आए इस नोट कांड से क्या महाराष्ट्र में होने वाली वोटिंग के रुख पर उसका असर पड़ेगा, उसकी खबर के वजह से महाराष्ट्र में होने वाले वोट पर असर पड़ेगा, क्या नोट कांड के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई से वोटर संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले यह पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं, आपको दिखाएंगे वो डायरी भी, आपको दिखाएंगे कि कैसे क्षितिज ठाकुर हाथ में नोटों की गड्डी लहरा रहे थे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उसके बाद विनोद तावड़े, क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग ने क्या कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, चारों ओर से वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता और साथ में उठता शोर। इसी शोर शराबे के बीच विनोद तावड़े कभी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, कभी हालात पर सफाई देने की कोशिश करते दिखते हैं, कभी सामने रखी बोतल से पानी के 2 घूंट पी लेते हैं। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। आसपास खड़े लोग कभी लिफाफे से नोट निकाल कर लहराते, कभी डायरी दिखाते, कभी काले रंग का बैग। नाला सुपारा में विवांता होटल के अंदर यह हंगामा जब शुरू हुआ, थमा नहीं, लोग बढ़ते गए। होटल के हॉल से लेकर बाहर तक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। मामला चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप का और आरोप मतदान से पहले कैश बांटने का। तस्वीरों में जो कुछ दिखता है उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में करेंसी और उनके नेता के हाथ में वो डायरी, जिसके बिना पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने मतदान से पहले 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश की और उन्हें पकड़ा गया।
क्षितिज ठाकुर मौके से बरामद डायरी के पन्नों में वह सबूत भी दिखाते हैं कि पैसे किस किस को दिए गए। लालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, वहाँ पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुँचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। विनोद तावड़े लगातार अपनी सफाई देते हैं, चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हैं, सीसीटीवी तस्वीरें तमाम सबूतों का हवाला देते हैं, लेकिन तावड़े होटल से ना निकल सके इसके लिए उनकी कार की टायर की हवा निकाल दी गई। उधर पुलिस ने पूरे होटल को सील कर दिया। आखिरकार विनोद तावड़े के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। जिस राज्य में अगले दिन वोटिंग होनी है, जिस राज्य में सुशासन और विकास के दावे पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी, वहाँ ठीक वोटिंग से एक दिन पहले वोटर्स के बीच डायरेक्ट कैश के फायदे का दाग लगा तो बीजेपी के लिए सफाई देना मुश्किल हो गया। विनोद तावडेंचे बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाका। इफ विनोद तावडे, हु इज अ टॉल लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इज फाउंड गिल्टी, should be arrested immediately. बांटेंगे तो कटेंगे नहीं, भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। जब आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी पैसों के बोरे में बैठे हुए पाए गए तो आप चुप नहीं रह सकते हैं, बीजेपी चुप नहीं रह सकती है, चुनाव आयोग चुप नहीं रह सकता है। वोट से पहले नोट कांड को लेकर एक तरफ चुनावी हमले हो रहे, विपक्षी दलों के नेताओं के हेलीकॉप्टर से लेकर बैग और थैलों की जांच का मसला उठता है, दूसरी तरफ नोटकांड का आरोप झेलते विनोद तावड़े शिकायतकर्ता हितेंद्र और क्षितिज ठाकुर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखते हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। बैग में पैसे, डायरिया है, जिसको कितना दिया वो नाम लिखे हुए हैं, कितना पैसा बांटा हुआ है, 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बताया। चंद घंटों के अंदर पूरा मामला ये सामने आया, 5 करोड़ रुपए मौके से नहीं मिले। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने दावा किया कि उन्हें पैसे बांटने की खबर पता चली। अब वोट से पहले नोट कांड में जांच एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और चुनाव में मतदाता। विद्या चौहान, ऋतिक भालेकर और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।